First of all, I want to apologize for late posting this video because I had immense work, but I assure you, you will get new words in this video and you will improve or strong your vocabulary. Let's get started. First is excruciating. Excruciating means बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना और mostly pain का, तो word है excruciating pain. मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है. It is excruciating pain in my abdomen. It is excruciating pain in my abdomen. Next, immense means होता है बहुत ज़्यादा. I have immense responsibilities. मेरे पास ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं. The next word is indescribable. जिसके बारे में कहा ना जा सके उसे बोला जाता है indescribable. यह भावना indescribable है. Means this feeling is indescribable. Means कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर आप अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाएं, तो आप सिंपली एक वर्ड में बोल सकते हैं indescribable. The next word is expunge. Expunge means हटाना. किसी चीज़ को उसकी अपनी पहले वाली जगह से हटाने को बोलते हैं expunge. मैं याददाश्त से मेरी ex को हटाना चाहूँगा. I like to expunge my ex from my memory. आप एक्स की जगह कोई भी ऐसी इंसिडेंट्स को बोल सकते हैं जिसको आप पूरी तरह से हटाना चाहें, तो आप वर्ड यूज़ करेंगे एक्सपेंज. नेक्स्ट वर्ड इज रिफ्ट. रिफ्ट मीन्स होता है दरार. इस घर की दीवार में दरार है. देयर इज रिफ्ट इन दैट हाउस वॉल. देयर इज रिफ्ट इन दैट हाउस वॉल. नेक्स्ट वर्ड इज क्रेविंग. यानी किसी भी चीज़ की बहुत तेज़ आपको मन हो रहा है, इच्छा हो रही है, यानी उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है आपको, तो आप बोल सकते हैं क्रेविंग. क्रेविंग मोस्टली होती है फूड के लिए. मीन्स स्पाइसी हो सकता है, स्वीट हो सकता है, सेवरी हो सकता है, वट एवर. मुझे मिठाई की तेज इच्छा है. आई हैव अ बिग क्रेविंग फॉर स्वीट्स. I have big craving for sweets. The next word is pant. Pant means होता है लिखना. किसी भी चीज़ को आप लिखते हो तो जैसे आप write करते हो तो उसे आजकल आप advance में बोल सकते हो pant. जैसे मैंने एक पेज पर रोज के सामान लिखे हैं. I have pant daily provisions on a page. I have pant daily provisions on a page. The next word is heart wrenching. Heart wrenching यानी एक ऐसी इंसिडेंस या ऐसी कोई न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा दिल दुखाने वाली होती है, जिससे जो आपका हार्ट है वो बहुत ज़्यादा पेन फील करता है, तो उसे आप बोल सकते हैं heart wrenching. जैसे यह बहुत ही दुखद खबर है. This is quite heart-wrenching news. The next word is sparkled with joy. Sparkled means होता है किसी चीज़ का चमकना या बहुत ज़्यादा lighting, brighting होना. वह मुस्कुरा उठी. Her teeth sparkled a smile. Next word is fortify. Fortify means होता है किसी भी चीज़ का मजबूत होना. तो अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा strong है तो आप बोल सकते हैं fortify. जैसे यह रस्सी बहुत मजबूत है. This rope is fortify.
द नेक्स्ट इज रेंच। रेंच मीन्स होना है ट्विस्ट करना या मोड़ना। तो आप बोल सकते हैं मेरे भाई ने मेरे हाथ को मोड़ दिया। तो मोड़ने के लिए और ट्विस्ट करने के लिए नेक्स्ट वर्ड है आपका रेंच। माई ब्रदर रेंच्ड माई आर्म। माई ब्रदर रेंच्ड माई आर्म। अधेयर मीन्स होता है चिपकना किसी भी चीज का। चिपकने के लिए बोल सकते हैं आप अधेयर। वेट क्लोथ्स अधेयर टू द स्किन। गीले कपड़े शरीर से चिपकते हैं। वेट क्लोथ्स अधेयर टू द स्किन। नेक्स्ट वर्ड इज फैटलिटी। फैटलिटी फैटलिटी यानी मरना, मौत होना। फैटलिटी There were no fatalities in the fire. There were no fatalities in the fire. यानी आग की वजह से किसी की भी मौत नहीं हुई है। There were no fatalities in the fire. Thank you very much. I hope you learn some new words and I am definitely sure you will use in daily basis. Thank you and subscribe my channel Improve English with Puri. Bye-bye.